सो हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड आरवीएस एंड फ्रेंड्स ये रही नई केटीएम ड्यूक 390। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे जल्दी से ड्यूक 390 का वीडियो बनाओ एंड कब तक बाइक आएगी शोरूम में। सो फाइनली गाइस, अब देख सकते हो जो ड्यूक 390 है न्यू कलर वाली, वो फाइनली आ गई है केटीएम अनीशाबाद शोरूम पटना बिहार में। एंड फ्रेंड्स, आप बाइक को बुक करा सकते हैं, बाइक अभी अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, दोनों कलर अवेलेबल है, ये जो आप देख रहे हो ये लिक्विड मेटल कलर एंड ये डार्क गैल्वेनो कलर, दोनों कलर अवेलेबल है फ्रेंड्स यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स, आपको कौन सी अच्छी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मुझे तो पर्सनली ये जो आप देख रहे हो लिक्विड मेटल कलर, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई मीन क्या बताऊँ यार, कितनी कूल लग रही है बाइक। एंड हूबहू अब ये बाइक जो 1290 सुपर ड्यूक कार है सेम टू सेम वैसा ही फील दे रही है। ये देखो फ्रंट से इसका डिज़ाइन फ्रेंड्स, कितनी खतरनाक लग रही है बाइक। बस गाइस, इसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग लगा, यहाँ पे जो ऑरेंज व्हील रहता तो भाई क्या ही बात हो जाता इस बाइक का। बट जो आप देख सकते हो जो ऑरेंज व्हील है वो दोनों में नहीं है, ये डार्क गैल्वेनो में भी नहीं है, उसमें तो लगभग ऑरेंज कलर यूज़ ही नहीं है, सिर्फ ट्रेलिस फ्रेम है बस। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस बाइक की प्राइस की, तो प्राइस है 3,54,000, यानी फ्रेंड्स 3,54,000। हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोल देता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लोगों को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं दोनों भाषाओं में बता देता हूँ। केटीएम का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, केटीएम जितने भी बाइक लॉन्च करती है उन सब पे कलर का एक रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है। वहीं आप किसी और शोरूम में चले जाओगे, किसी और बाइक्स परचेस करने चले जाओगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको कलर के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। बट केटीएम का ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, केटीएम कोई भी कलर का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करती है, जितना प्राइस है उतना ही आपसे पैसे चार्ज करती है। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इस बाइक का एक वॉक अराउंड देता हूँ, वो आप इन्जॉय करना एंड फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर। तो ये जो आप देख रहे हो ये है लिक्विड मेटल कलर एंड ये जो आप देख रहे हो ये है डार्क गैल्वेनो कलर। एंड इसमें आप देख सकते हो जो फ्रंट का डिज़ाइन है, इसमें यहाँ पे आपको अब ऑरेंज कलर मिल जाता है यहाँ पे एंड ये सिल्वर कलर का मिलता है। एंड फ्रंट में आपको फुल एलईडी हैंडलप मिल जाता है, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं। एंड जो मडगार्ड है यहाँ पे आपको ग्रे कलर मिलता है। एंड बात करें टायर की, तो आपको मेटजेलर के टायर मिल जाते हैं 110/70 सेक्शन के एंड यहाँ पे आपको फुल ब्लैक 17 इंच के अलॉयस मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का टेप मिल जाता है जो बाइक की खूबसूरती में चार चांद लगाता है एंड दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जो व्हील्स हैं वो और अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ। साइड से ये बाइक कुछ ऐसी दिखती है एंड इसका जो टैंक है वो आपको फुल ऑरेंज कलर का मिल जाता है एंड जो टैंक श्राउड है वो आपको ग्रे कलर का मिलता है। एंड पीछे की तरफ भी आपको ऑरेंज कलर मिल जाता है एंड यहाँ पे ब्लैक कलर का ग्रे रेल एंड बाइक कुछ ऐसी दिखती है। अगर बात की जाए डार्क गैल्वेनो कलर की, तो ये आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है यहाँ पे आपको फुल ग्रे कलर मिलता है एंड ब्लैक कलर का मडगार्ड मिल जाता है, टैंक के पास फुल ब्लैक कलर मिल जाता है एंड जो टैंक श्राउड है वो आपको ग्रे कलर का मिल जाता है। इसमें फ्रेंड्स सिर्फ जो ट्रेलिस फ्रेम है वो आपको ऑरेंज कलर का मिलता है, बाकी आप देख सकते हो बाइक की जो पूरी बॉडी है वो आपको फुल ब्लैक एंड ग्रे कलर का मिलता है।
एंड पीछे की तरफ भी आपको ब्लैक कलर मिल जाता है एंड थोड़ा सा यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ KTM को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑरेंज कलर है वो KTM का पेटेंट कलर है, इसीलिए आपको जितनी भी KTM की बाइक है उन सब में थोड़ा बहुत ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा ही। एंड ये कलर तो भाई बवाल लग रही है एकदम। एंड फ्रेंड्स आपको ये कलर कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको लिक्विड मेटल कलर अच्छा लग रहा है या फिर डार्क गैल्वेनो कलर। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशंस की। सो फ्रेंड्स इंजन स्पेक्स में कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, जस्ट लाइक ये बाइक पुरानी वाली जो ड्यूक 390 थी वैसे ही है, बट अब आपको इन दोनों बाइक में दो नए कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो लिक्विड मेटल और डार्क गैल्वेनो कलर, ये बस कलर में चेंज है फ्रेंड्स, बाकी का जो इंजन है स्पेक्स है एवरीथिंग सेम है। अगर बात करें इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो इस बाइक में आपको 373.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है जो 43.5 पीएस की पावर जनरेट करती है एंड 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड फ्रेंड्स इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है एंड फ्रेंड्स यह बाइक 0 to 100 बहुत जल्दी स्पीड अचीव कर लेती है लेस देन 6 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 5 सेकेंड्स में यह बाइक 0 to 100 अचीव कर लेती है। और बाइक में आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, राइड बाय वायर मिल जाता है, स्लिपर क्लच मिल जाता है, तो ये सब फीचर फ्रेंड इस बाइक में आपको मिलता है। इस बाइक का जो बेस्ट पार्ट है ना वो है इसका TFT गाइस, इससे ना इस बाइक का खूबसूरती और बढ़ जाता है एंड लगता है कि हाँ भाई कोई सुपर बाइक चला रहे हैं जैसे। तो फ्रेंड्स अगर मुझसे पूछो तो एंट्री लेवल सेगमेंट की ड्यूक 390 बेस्ट बाइक है यार नेकेड सेगमेंट की, मतलब इससे अच्छी बाइक कोई हो नहीं सकती है। इस बाइक में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाता है, कंफर्ट पावर ये सारा कुछ मिल जाता है फ्रेंड्स इस बाइक में। एंड इस बाइक का जो लुक है ना वो बेस्ट पार्ट है, मतलब ऐसा लुक इसका दिया गया है कि अगर कोई भी हो उसको ये लुक बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा बनाया गया है इस बाइक को। एंड इसीलिए फ्रेंड्स इस बाइक का क्रेज़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ड्यूक 390 का। एंड फ्रेंड्स मैंने प्राइस आपको बता दिया है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो फ्रेंड्स, वहां से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो यार। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए बाइक किसी नए टॉपिक के ऊपर। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।